झंडा लेंगे 500 लेंगे। पाकिस्तान में वहाँ पता झंडा लोगे या 500 के नोट लोगे? पता झंडा किसने बनाया पाकिस्तान का? कराची का मौसम जो है ना वो इतना प्यारा हो चुका है, इतना प्यारा मौसम हो चुका है कराची का गाइस, कि पहले हम लोग गर्मी से मर रहे थे लेकिन अभी भी हफ्स अपनी जगह पर है, लेकिन मौसम टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्यारा हो चुका है। कभी हल्की बारिश होती है तो कभी तेज हवाएं चलती हैं, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो मौसम अंगड़ाई लेता रहता है। खैर एनीवेज, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में तमाम सब्सक्राइबर का खुशामदीद हो गया, तो भाई जिसने बाबड़ा स्टोर से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जाके जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो आज जो है वो है 7 अगस्त और हमारा सीन ये है कि यार हम सबसे पहले जा रहे हैं, ढूंढता हूँ कहीं से झंडा मिल जाए। तो आई एम ऑन माई वे। इतना प्यारा कराची का मौसम लगा हुआ है, पूरा ग्रे कलर का मौसम हुआ है यार कराची का आज। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं, झंडा पकड़ लेते हैं यार अपने लिए, और झंडे के साथ जो है वो देखते हैं कि कोई बैजेस वैजेस चीजें अच्छी मिल जाए तो वो भी साथ ही उठा लेंगे। तो पहले जल्दी से पहुंचते झंडे के स्टॉल पर। राइट में जो है एक छोटी सी दुकान पे ये लोग झंडे वंडे लगा के बैठे हुए यार, तो इनसे एक झंडा पकड़ लेते हैं, छोटा वाला। छोटा झंडा पड़ा हुआ है जी? छोटा झंडा हाँ, ये तो बहुत बड़ा, छोटा वाला झंडा चाहिए। ये तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल छोटा चाहिए। तो गाइस काफी बड़े बड़े झंडे यार लगे हुए हैं इनके पास, छोटा सा झंडा हमें चाहिए, ये भी बड़ा है इससे छोटा। हाँ इससे छोटा। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, हाँ ये वाले झंडे चाहिए, ये वाले, ये दो देते हैं बस, थैंक यू। वो झंडे जो है वो हमने ले लिए छोटे वाले। इससे जो है 14 अगस्त से पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि फेस पेंटिंग वगैरह होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो यार ये सब भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो है मैंने सिर्फ फिलहाल 2 झंडे ले लिए हैं क्योंकि अभी मैंने देखा इतने स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो बेचारी आंटी थी मजबूर थी, इनसे मैंने बोला यार झंडे ले लेता हूँ, तो झंडे भी हमने साथ ही उठा लिए हैं भाई। अभी जो स्टॉल्स वगैरह लगेंगे बड़े बड़े तो उनसे फिर हम कलर्स वगैरह चीज़ें भी से लेंगे। तो जल्दी से मैं सोच रहा हूँ पहले घर पहुँच जाएगा कि ऐसा ना हो कि तेज़ बारिश शुरू हो क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। अब तो बिल्कुल जा रहा है मौसम यार, गाड़ी वाड़ी का एसी वेसी बंद करके मतलब फ्रेश एयर ले रहा हूँ, अब यकीन करो ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम यहाँ ने एसी खोल दिया है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार झंडे जो मैंने 2 लिए हैं वो मैंने अपने घर के बच्चों को बुलाया है बाहर, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ यार कि झंडे से और हमारे मुल्क से बच्चों को कितनी मोहब्बत है, बच्चों को नॉलेज भी है कि क्या चीज़ है। तो हम पता क्या जुगाड़ करने वाले हैं, हम ये सीन करने वाले हैं कि झंडे के साथ जो है पैसे भी रखूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन झंडा लेता है और कौन पैसे लेता है। वैसे रोमान क्या कौन क्या लेगा यार, हमारी जो पब्लिक है ना वो पैसे ही पीछे भागेंगे सारे। घर वालों से मैंने शुरू किया भाई, आप बनीन झंडा लेंगे 500 लेंगे यार, मतलब आपको इतनी इतना एक इतनी अपने मन से मोहब्बत है, डायरेक्ट 500 के नोट पे हमला, दोनों नहीं दोनों बहादी आप सर बच्चा पैसे के पीछे है रोमी आप। देखो ये होती है मुल्क से मोहब्बत, पैसे से क्या मोहब्बत है यार, पैसे पे कायदा से बने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो है वो आ चुके हैं, ये पता है आप लोगों को ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का झंडा है? पाकिस्तान से मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है? बहुत मोहब्बत है। अच्छा चलो एक बात बताओ, पाकिस्तान से मोहब्बत है झंडा लोगे या 500 के नोट लोगे? कौन कौन लेगा झंडा, तुमने तो हाथ ही नहीं उठाया, 500 चाहिए। अच्छा झंडा लोगे सारे, चलो कोई नगमा आता तुम लोगों को? कौन सा नगमा आता है, कोई कौमी तराना कुछ भी नहीं आता ना क्या? इसको नहीं तू बता, तू झंडा ले रहा है, कौमी तराना आते सुनाओ। पहला कलमा था कोई कौमी तराना सुना, कौमी तराना पाकिस्तान, ये पता है क्या चीज है, क्या चीज है किसका? तुम में से किसी को आता है? नहीं आता, तुम्हें तो आता होगा, इसको इसकी शक्ल से लग रहा आता, कोई गाना भी नहीं आता पाकिस्तान का, नेशनल सॉन्ग भी नहीं आता कोई, पक्की बात है। आएगा ना देखो आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ, तुम लोगों को आइसक्रीम दिलाऊंगा मैं, तुम्हें तो सब पता है, बकवास नहीं करो। बताओ जल्दी बताओ, तू बोला ना आइसक्रीम खाने को, ये पता झंडा किसने बनाया पाकिस्तान का? ये झंडा किसने बनाया? ये आइंस्टाइन ने।
आइंस्टाइन ने झंडा बनाया। किसने बनाया है? किसने बनाया है? अशरफ भाई ने, हफीज जलंधरी ने। गलत, बिल्कुल गलत। तराना झंडा किसने बनाया? ये दर्जी ने बनाया। नहीं, दर्जी ने क्या बनाया? ऐसे तो वो कह रहा है कि झंडे, ऐसा तो वो कह रहा है कि नोट पे जो है वो कैदन की तस्वीर बनी हुई दे दो। किसी को नहीं पता है, और किसी को, इनको तो, ये तो इतने बड़े बड़े घोड़े, इनको भी नहीं पता। भाई बताओ किसने बनाया झंडा? हम पाकिस्तान बनाने का झंडा भी बनाएंगे। सवाल ये बताओ, असेंबली में किसने पेश किया झंडा सबसे पहले? असेंबली में किसने पेश किया? गूगल नहीं करना, इस करने के लिए बताया था, गलत पढ़ा तुमने भी। अबे जा, चल तुम लोग भी सारे रह गए, तुम लोग सबको आइसक्रीम दिलाता है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एक पठान था, उसने बोला 14 अगस्त कब आती है और नमाज कितने बजे? तुमने क्या बोला था? देखो भाई, इन बच्चों को भी बताओ, देखो 11 अगस्त 1947 को ये झंडा जो है असेंबली में पेश किया गया था, ठीक है? पकड़ो सारे झंडे को, ऊपर करो, नीचे से सारे हाथ लगाओ, सारे झंडे उल्टे। चलो नारा तो लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद का, ये कोई आवाज है, तेज आवाज में लगाओ, और तेज, झंडा तो हिला। इस अगस्त का जो महीना है वो हम सबके लिए बहुत अहम है और हमारे मुल्क के लिए बहुत मुबारक भी है कि इस दिन जो है हमारा प्यारा मुल्क आजाद हुआ था भाई। तो आज जो मैंने सीन किया है वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने कहा यार मैं बाहर से फ्लैग्स आपके सामने भी लेके आया, तो मैंने कहा यार जितने भी बच्चे वगैरह उन सबसे मैं ये पूछूंगा कि उन्हें फ्लैग के बारे में पता है कि हमारे मुल्क का जो झंडा है वो किसने बनाया है, उसकी क्या वजूहत है, वो झंडा ऐसा बना है। क्योंकि देखो जब झंडा हमारा बनना शुरू हुआ होगा उसमें जो चांद सितारा, उसका कलर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें लोगों को स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती होंगी, हमें तो भाई पढ़ाई थी और पढ़ाने के बाद हमारे घर वालों ने भी हमें सही से उसकी नॉलेज दी थी कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, झंडा इसने बनाया है। तभी मैंने आपके सामने लोगों से पूछा, कोई बोलता है कि यार झंडे का मतलब नहीं पता, कोई बोलता है कि ख्वाजा आजम ने बना दिया होगा, कोई बोलता है दर्जी ने सी दिया होगा, मतलब फजूल किस्म की बातें, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई झंडा किसने बनाया, झंडे का कलर कैसे आया, झंडा ऐसा क्यों है। अच्छा तो गाइस सबसे पहली चीज़, हमारा जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया है, जो उसको पूरा तरीके से बनाया गया है, वो अमीन उद्दीन कुदवाई ने बनाया है हमारा फ्लैग। अच्छा तो गाइस हमारा जो फ्लैग है उसके ऊपर दो कलर्स हैं, एक वाइट कलर है और एक ग्रीन कलर है। जो वाइट कलर है वो नॉन मुस्लिम्स को डिफाइन करता है और जो ग्रीन कलर है वो एग्रीकल्चर को और मुस्लिम्स को डिफाइन करता है। उसके ऊपर क्रीसेंट बना हुआ है, इट्स अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ इस्लाम, जो उसके ऊपर क्रीसेंट और स्टार बना हुआ है। सबको पाकिस्तान के झंडे के बारे में बताते बताते आयशा भाजी को जो बड़ा जोश आ गया, अपनी कैप शैप लेके बैठ गई, अम्मी भी बैठी है, तो कौन सा नगमा आप सुनाने वाली हैं भाई, हमें सुना दे जरा। अभी तुम ज़रा नगमा सुना रहे हो, मुझे सुनाओ कौन सा नगमा सुना रहे हो, सुना दे। बिल्कुल खुश है यार, अच्छी आवाज में नगमा सुनाया जबरदस्त। अच्छा तो गाइस ये जो हमारा फ्लैग है ये 11 अगस्त 1947 को कौमी असेंबली में पेश किया गया, आमिर लियाकत। नहीं आमिर लियाकत गलती से मुझसे निकल गया, असल में आजकल इनकी बेगम ने दूसरी शादी कर ली है तो फेसबुक पे बहुत ट्रेंडिंग है। गलती से आमिर लियाकत निकल गया, क्या लियाकत अली खान ने जो है वो झंडा हमारा कौमी असेंबली में पेश किया था, तो वहां से मंजूर हुआ हमारा फ्लैग। झंडे ने भी जब से देखे आप, मैं सुना ना कि मैंने किसी और का नाम ले लिया, नीचे उतरने लग गया बेचारा। वो 11 अगस्त 1947 में लियाकत अली खान ने जो है वो असेंबली में पेश किया, तो फिर हमारा ये फ्लैग मंजूर हुआ था। गाइस तो गाइस ये जो बाहर नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं ना लोग, बाजे बजा के लोगों को डिस्टर्ब करके, ये चीज़ें मत किया करो यार, नॉलेज एक दूसरे से शेयर करो। ये सवाल जवाब जो मैंने आप लोगों से किए हैं, मैंने बाहर के लोगों से सवाल जवाब किए हैं, ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, बाजे ले लिए हाथ में, बस तेज आवाज में बाजे बजा रहे, लोगों को डिस्टर्ब करना है, फजूल किस्म की चीज़ें करनी, तो नॉलेज आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर करनी है। गाइस बाजे बाजे भी बजाने हैं लेकिन वो 14 अगस्त पे जब बजाने हैं तो बजाना यार। जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है सब्सक्राइबर्स, वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं रिगार्डिंग फ्लैग। पूरे व्लॉग का मतलब जो है वो तमाम जनरेशन को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, जितने लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या दोस्त यार देखते हैं, तो उन सबको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इवन मेरे सब्सक्राइबर्स घर से बाहर भी खड़े हुए हैं, खाता हूँ करके आ रहे हैं, मैं खिड़की खोलूँगा अभी देखना क्या होगा। अरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ऑलरेडी नीचे खिड़की के खड़े हुए हैं। ये जितनी भी चीज़ें थी यार, मेरी मदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा
नॉलेज रखती हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो वो मुझे भी गाइड करती रहती। तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि भाई आज से लेके 14th of August तक आपने जो है वो इन सारी चीज़ों का व्लॉग डालना है, और मेरी जो गाइडर है, मेरी जो टीचर है, वो भी मेरी अम्मी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताती रहती हैं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह। इनके मुझे उन्होंने कभी ज़िंदगी में व्लॉग नहीं किया, लेकिन जब से वो मुझे देख रही हैं, उनको पैटर्न भी समझ में आ गया था, वो उस हिसाब से मुझे पैटर्न भी बताती हैं कि भाई इस पैटर्न में आपने जो व्लॉग बनाया। तो अम्मी का कहना ये कि तुम्हारा व्लॉग जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ाओ, मजीद बढ़ाते जाया करो, और अगर नहीं पता है तो हमसे पूछ लिया करो। इसी के साथ व्लॉग को करता हूँ ये पर एंड। आई होप आप सारे लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा गाइस। तो जिसने भी बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं कल व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।